देखें यहाँ पर आपने क्वांटिटी टाइप की, यूनिट प्राइस टाइप की और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट चाहिए तो फार्मूला टाइप कर दिया इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। इसी तरह हमने यहाँ पे क्वांटिटी टाइप की और यहाँ पर हमने यूनिट प्राइस टाइप कर दिया, लेकिन क्यूरी ये है कि हमें क्वांटिटी के साथ पीसी चाहिए और 25 के साथ रुपीज चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही हमने टाइप किया रुपीज और पीसी तो देखें यहाँ पे एरर आ रहा है अमाउंट में। आपने क्वांटिटी के कॉलम को सिलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करें, यहाँ पे आप कस्टम पे आ जाए, जनरल को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करें, टाइप करें 0 स्पेस इन्वर्टिस कॉमा ऑन और इसमें आप टाइप कर दें पीसी इन्वर्टिस कॉमा क्लोज एंड ओके। इसके बाद यूनिट प्राइस को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, जनरल को यहाँ से डिलीट करें और यहाँ पे आप टाइप करें रुपीस इन्वर्टिस कॉमा ऑन रुपीस इन्वर्टिस कॉमा क्लोज स्पेस 0 एंड ओके। ठीक है, तो ये देखें आपका पीसी और रुपीस लिखा हुआ आ गया नंबर के साथ और अमाउंट में भी कोई एरर नहीं आ रहा है।